मानती देवी एक VRP है जो कि जीरो बजट से यहाँ काम करती है। वो आई ट्रेनिंग लेके जीरो बजट की कैसे कैसे खेती होता है, वो आकर गांव की महिला को और अगर दूसरे गांव की महिला को जाकर बताती है कि दीदी जीरो बजट से ही खेती कीजिए, समझे ना, इससे हम लोग को ज़्यादा लाभान्वित है और आप भी शुरू कीजिए, और अगर नहीं समझ में आता है तो हमको बुलाइए, हम भी बतावेंगे, समझे ना, हम मेहनत करेंगे। और खाद वगैरह यूरिया DAP से खेती उती मत कीजिए, जीरो बजट से ही खेती पिछले कीजिए, समझे। हफ्ते हम भी आए थे, मानती दीदी से मिले थे, वो जीवा मित्र के बारे में हमको सिखाए थे, और आज भी चलिए ब्रह्मास्त्र के बारे में सीखना है उनसे। ठीक है, तो चलिए आज बहुत और तरह तरह के बतावेंगे किस तरह से काम करना है, किस तरह से। कौन मिलने के लिए आए हैं? प्रणाम भैया। प्रणाम दीदी, कैसा है? ठीक समाचार है। आप कहे थे कि अगले हफ्ते आइएगा तो ब्रह्मास्त्र सिखा देंगे, उसी सीखने के लिए भैया ब्रह्मास्त्र बनाने के लिए सारा सामग्री सवेरे से तैयार करके धैले हैं। देखिए भैया, ये नीम के पत्ता है। नीम का पत्ता है? हाँ, ये है कर्मी घास के पत्ता। कर्मी घास है? हाँ। ये है बेल के पत्ता। बेल का पत्ता है? हाँ। ये है अमदुर के पत्ता। अमदुर का पत्ता? हाँ। ये है धाथुरा के पत्ता, धाथुरा की फल भी है। और ये है पपीता के पत्ता। आई पका हुआ मीठा अमदुर है और गौमूत्र इसमें है। देखिए भैया, ये पानी है। पानी है उसमें? हाँ। और ये खल है। खल? खल में क्या करते हैं इस? ये लोग के सबके इसमें कूटते हैं, पीटते हैं, मतलब चटनी बनाते हैं उसमें डाल के, अचूर के। हाँ दीदी, सामग्री तो हमको बता दिए कि इतना चीज है, इसका मात्रा कितना कितना लगा ये हमको बता दीजिए। हाँ भैया, हम बताते हैं, बताइए। 3 KG नीम के पत्ता आओ, 2 KG पपीता के पत्ता आओ, 2 KG कर्मी घास के पत्ता आ, 2 KG बेल के पत्ता आ, 2 KG धाथुरा के पत्ता आ, 2 KG अमदुर के पत्ता आओ, मीठे फल कोई भी मीठा फल रहेगा तो चले। नहीं दीदी बताइए तो, ये कर्मी अगर नहीं मिलेगा तो इसके जगह पर हम क्या देंगे? हाँ भाई, हम बताते हैं, 5 KG नीम के पत्ता पड़ेगी। 5 KG पड़ेगी? हाँ। आओ, अगर अमदुर नहीं है तो कोई मीठा फल के गुद्दा भी दे सकते हैं, कोई भी फल मनुम दे सकते हैं, पपीतों का दे सकते हैं। हाँ। 10 लीटर गौमूत्र 1 एकड़ के लिए हम सामग्री बताएं भैया। ये सब सामग्री 1 एकड़ के बताएं? जी ठीक है। ठीक है भैया, हम तो 1 एकड़ के लिए बताएं, अब ये सामग्री 1 कट्ठा के लिए बताते हैं। बताइए दीदी। 1 कट्ठा के लिए देखिए भैया, 100 ग्राम है नीम के पत्ता आओ, 70 ग्राम है पपीता के पत्ता आओ, कर्मी घास के पत्ता 70 ग्राम, धाथुरा के पत्ता 70 ग्राम आओ, बेल के पत्ता 70 ग्राम आओ, अमदुर के पत्ता 70 ग्राम आओ, मीठे फल के गुद्दा है मीठे। 1 कट्ठा के? हाँ, 1 कट्ठा के है। देखिए अब हम इसमें डालते हैं। चूरना है। सारा सामग्री एक साथ मिला देना है दीदी? हाँ भैया, एक में मिलाकर इसको चूरना है। इसको चूरना महीन बनाना है? हाँ, चूर चूर के इसको चटनी बनाना है। हम भी मदद कर दें दीदी? हाँ कर सकते हैं भैया, बताइए। कर करिए। ठीक है भैया, इसको और बढ़िया से चूरना है, एकदम चूर चूर के मनुम चटनी इसको बनाना है। अच्छा, बना देते हैं दीदी। इसको बारी बारी से चूरना है। ठीक है भैया, अब हो गया। हो गया, तैयार हो गया दीदी। हाँ देख, देखिए भैया, ये ठीक महीन हुआ। इतना महीन कुटना है दीदी? हाँ भैया।
300 ml गौमूत्र है, इसमें हम डालते हैं। इसका चटनी को इसमें डाल दीजिएगा दीदी। हाँ भैया, चटनी को इसी में डालते हैं। उसके बाद क्या कीजिएगा? अब इसको चूल्हा पर चढ़ाना है। चूल्हा पर चढ़ाना है? हाँ। इसको घोरिएगा ना फिर दीदी? हाँ भैया, ठीक है भैया, चलिए हम चूल्हा धराते हैं, आप लेकर आइएगा। देखिए भैया, अब झांकते हैं इसको, ढक देते हैं। इसको ढक देते हैं? हाँ। इसके बाद की इसको कितना देर तक खोलाना है? अब भाप आती होगा तो उतार देंगे। इसको चार तुरी करना है। चार बार करना है? हाँ दीदी, कितना बार? चार बार इसको खोलाते हैं? हाँ भैया, इसको चार बार खोलाना है दीदी। चार बार खोलाएंगे तेज तेज कर कर? नहीं भैया, थोड़ा सा भाप आवेंगे ना। हाँ। तो इसको उतार देना, कस के इसको नहीं खोलाना है। इसको उतार के रख देना है? हाँ। उसके बाद फिर झाप देना है? उसके बाद फिर चढ़ाना है, फिर इसको इसलिए कि ज्यादा में जल जाएगी, मतलब ज्यादा इसको जो अथी है जो मल जाएगी, जीवाणु मर जाएगी। हाँ, बीच बीच में ऐसे चलाना भैया कि बाकी जले नहीं, भाप आ गया। इसको चलाते रहना है? हाँ, अभी इसको उतारना है। उतार देखिए, ये जो इतना भाप हुआ ना, तो आपको उतार देना है। इसको उतार कर रख? हाँ, या इसी भाप आवेगा तो इसको चार बार करना, थोड़ा ठंडा होगा ना। हाँ। तो फिर उसको पर चढ़ाना है, फिर इस पर चढ़ा देना। हाँ देखिए भैया, अब तैयार हो गया। तैयार हो गया दीदी? हाँ। अब बात क्या करना है? कैसे पता चला दीदी कि तैयार हो गया? ये चार तवरी खोल गया ना भैया, तो समझिए कि तैयार हो गया, इसलिए कि उसको से उतारते हैं कि जलाना, जलना खाली नहीं है। ये चार बार खोल गया तो तैयार हो गया बर्मास्ता। हाँ, ठीक है। इसके बाद क्या कीजिएगा दीदी? इसको 48 घंटा के लिए भैया हम झांक कर छोड़ देते हैं छांव में, इससे राह जाती है, तब इसको हम मतलब रख देते हैं 6 महीना तक इस्तेमाल करना। यानी इसको झांक के 48 घंटा के लिए रख दीजिएगा? हाँ ठीक है। 48 घंटा के बाद इसको अच्छा कपड़ा, सूती कपड़ा साफ से इसको छानना। सूती कपड़ा छानना है दीदी? हाँ भैया। इसके 6 महीना तक इस्तेमाल कर सकते हैं। 6 महीना तक कर सकते हैं? हाँ भैया। इसका रंग हरा और काला मिट्टी जैसा दोनों भी हो सकता है, ये पत्ता पर डिपेंड है। इसका रंग हो जाता है? हाँ, बदल जाता है ना। हाँ, इसको यही लगी छाना जाता कि जो मोटा रहता है ना, जो कपड़ा में छना जाती है, सब मोटा चीज निकल जाता है। हाँ, अब इसको छिड़काव कर सकते हैं खड़ा फसल पर। अब मेरा बर्मास्तर तैयार हो गया भैया। तैयार हो गया दीदी? हाँ भैया। अब इसको कितना दिन तक रख सकते हैं? ये आप खेत में इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो बचा जो 6 महीना तक रख दीजिएगा, खराब नहीं होगा, फिर इस्तेमाल होगा। दीदी ये तो बताइए, ब्रह्मास्त्र तैयार हो गया, इसका मात्रा कितना कितना देना है? ठीक है भैया, मेरा ब्रह्मास्त्र तैयार हो गया, तो मतलब एक कट्ठा में 25 लीटर पानी। 25 लीटर पानी? हाँ। अब ब्रह्मास्त्र 700 ml। 700 ml देना है? हाँ। जो बच्चा मन 6 महीना तक उसको इस्तेमाल करना है। बताइए तो कौन कौन फसल में इसका उपयोग कर सकते हैं? इस सारे चीज में, आलू में होगा, गेहूं में होगा, धान में होगा, चना में होगा, पपीता में होगा, फल भी कोई चीज है उसमें भी होगा। फल में भी काम करता? हाँ। है दीदी, सब्जी में हो सकता है? हाँ फल में हो सकता है? हाँ। धान में हो सकता है? हाँ भैया, गेहूं में भी हो सकता, चना में भी हो सकता। चना में भी हो सकता। ब्रह्मास्त्र हम कीटनाशक के रूप में मनु इस्तेमाल करते हैं। आपको फसल में कीड़ा लगा है तो ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल करना है, नहीं भी लगा है तो इस्तेमाल करना, ये फसल के बचाव के लिए है। सही बताइए दीदी, इसको महीना में कितनी बार इस्तेमाल करना है? महीना में 2 बार, 15 दिन पर इसका इस्तेमाल करना जी। हाँ दीदी, हम तो मतलब 2010 से जीरो बजट के खेती कर रहे हैं, और मतलब रासायनिक खाद से मुक्त हो गए हैं। रासायनिक खाद तो हम लोग डालिए अब नहीं रहे हैं,
इसलिए कि हम जीवामृत डाल रहे हैं और घन जीवामृत डाल रहे हैं, नीमास्तर डाल रहे हैं, ब्रह्मास्तर डाल रहे हैं और अग्नि स्तर डाल रहे हैं। पांच दवा हम लोग डाल रहे हैं। और मतलब शुरू में हम लोग पांच दीदी के साथ किए थे, पहले कि हम लोग के ट्रेनिंग मिला था तो हम लोग सोचे कि मतलब बगैर रासायनिक खाद के मतलब होगा खेती नहीं होगा, डरा के हम लोग किए, मगर ऐसा हुआ कि रासायनिक खाद से भी बढ़िया हुआ और स्वास्थ्य भी बढ़िया रहने लगा, फसल भी बढ़िया हुआ। और समय पर रासायनिक खाद नहीं मिलता, महंगा मतलब खाद मिलता है, तो उस लिए कि हम लोग कहाँ से अथी करेंगे, समूह से कर्जा लेंगे तो इधर पैसा खोजेंगे। इसका कि घर में दीदी हम लोग बनाते हैं, अभी तक 2 साल में हम दीदी 500 लीटर हम बेचे हैं दीदी, इससे हमको इनकम हो रहा है, ऐसे घर चलाने के साधन भी हो रहा और स्वास्थ्य भी बढ़िया रह रहा।